एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं, यानी हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम अ सिंपल सेंटेंस। बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ एक फार्मूला है कि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है उस वाक्य में तो उसको आप सब्जेक्ट से आगे लगा दीजिए, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा वाक्य है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। सिंपल वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, एम आई गोइंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे, एम आई गोइंग। नेक्स्ट है शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। इज़ शी राइटिंग, क्या वह लिख रही है। इज़ पहले लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। राम हैज़ गॉन, राम जा चुका है। राम हैज़ गॉन, हैज़ आया सब्जेक्ट के बाद में। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ राम गॉन, क्या राम जा चुका है। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। बाद में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ही विल कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आएगा। बट इसका जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या वह पार्टी में आएगा, मतलब विल ही कम टू द पार्टी, विल ही कम टू द पार्टी, क्या वह पार्टी में आएगा। ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। क्या वह नाच रहा था, वॉज ही डांसिंग। वॉज को हम ले गए आगे और ही को कर दिया पीछे, यानी सब्जेक्ट को पीछे कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को उसके आगे कर दिया। यही एक सिंपल फार्मूला है प्रश्नवाचक बनाने के लिए। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। अब इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हैड पीछे हो जाए, आगे हो जाएगा। हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था, सब्जेक्ट पीछे हो गया और हेल्पिंग वर्ब आगे हो गई, वर्ब उसी जगह है। हैड ही गॉन। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, मैं, क्या मैं गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग, एम आई सिंगिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़े से टफ सेंटेंसेस में लेकर आऊँगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। चेकआउट कीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन को, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो टेक केयर एंड टिल देन, बाय बाय, वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।